दोस्तों YouTube पर एक विवाद चल रहा है संदीप महेश्वरी, श्वेताफ गंगवार और प्रखर गुप्ता के बीच। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संदीप महेश्वरी को कौन नहीं जानता है, ये इंडिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कुछ दिन पहले ये अपने एक एपिसोड में बोले थे, धरती पर प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, जो करोड़ों भगवान को मानता है या जो एक भगवान को मानता है और कहते हैं बाकी सब झूठ है। एक यूट्यूब श्वेताफ गंगवार, जिनके पास 1.31 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यह यूट्यूब पर लोगों के रिएक्शन को लेकर वीडियो बनाता है। संदीप महेश्वरी के वीडियो पर एक रिएक्शन वीडियो बनाया। संदीप महेश्वरी और श्वेताफ गंगवार के बीच ट्वीट, ईमेल आदि के माध्यम से कहासुनी हुई। अंततः श्वेताफ गंगवार को वीडियो डिलीट करना पड़ा। यह मामला शांति हुआ था कि एक यूट्यूबर प्रखर गुप्ता ने श्वेताफ गंगवार के वीडियो पर रिएक्शन वीडियो बनाया। फिर से संदीप महेश्वरी और प्रखर गुप्ता के बीच ट्वीट, ईमेल आदि के माध्यम से विवाद हुआ। प्रखर ने अंततः वीडियो को डिलीट कर दिए। दोस्तों अंततः देखा जाए, तीनों लोगों के विवाद का वजह कुछ नहीं था, अर्थात तीनों लोगों के वीडियो में विवाद होना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों संदीप महेश्वरी और श्वेताफ गंगवार एक एपिसोड में संदीप महेश्वरी ने प्रखर गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया कि रिएक्शन वीडियो से प्रखर गुप्ता हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाह रहा था। दोनों लोग मिलकर प्रखर को छोटी बच्ची बोल दिया। इससे प्रखर गुस्से में आकर दोनों के ऊपर केस कर दिए हैं और 2.5 करोड़ पैसे मांग लिए हैं। दोस्तों केस को देखते हुए संदीप महेश्वरी ट्वीट के माध्यम से क्षमा मांगे हैं और श्वेताफ गंगवार के पिताजी नहीं हैं, माताजी को कैंसर हुआ है, इसलिए मानवता के नाते श्वेताफ गंगवार की स्थिति खराब होने के नाते प्रखर को केस वापस ले लेना चाहिए। लोग कहते हैं अगर मनुष्य गलती मान ले तो गलती को माफ कर देना चाहिए। अगर प्रखर गुप्ता केस वापस नहीं लेते हैं, हम सारे यूट्यूबर संदीप महेश्वरी और श्वेताफ गंगवार जी के साथ हैं।